हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईएसआई वर्सेस आईएसओ मार्किंग के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आईएसआई के बारे में अलग से बताया हुआ है, आईएसओ के बारे में भी अलग से बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं दोनों के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको आईएसआई वर्सेस आईएसओ के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए होंगे जिसमें आईएसआई लिखा रहता है, आईएसआई, और वो एक बॉक्स में बंद होता है। और बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट पे आपने ये भी देखा होगा कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। तो दोनों होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जो आईएसआई है, आईएसआई स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली आईएसआई जो है वो एक इंडिया का स्टैंडर्ड है जो 1950 से इंडिया में काम कर रहा है। इसको आज के टाइम पे बीआईएस के अंडर किया गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक आईएसआई मार्किंग को देता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है जो कि नेशनल स्टैंडर्ड है इंडिया के प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब अगर आप इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको आप इंडिया में सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए आईएसआई लेना कुछ प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, और बाकी प्रोडक्ट में ऑप्शनल है आईएसआई मार्किंग लेना। नाउ अगर हम आईएसआई की बात करें तो आईएसआई एक मार्क है, प्रोडक्ट के ऊपर किया जाने वाला मार्क है जो ये गारंटी करता है कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी एंड यूजर सेफ्टी के अनुकूल बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब आईएसआई मार्किंग प्रोडक्ट को किया जाता है। वो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ स्विचेस होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, वायरिंग केबल्स, हीटर, किचन अप्लायंसेस, इन सभी के ऊपर आईएसआई मार्किंग करना मैंडेटरी होता है। उसके अलावा पोर्टलेट सीमेंट, एलपीजी वॉल, एलपीजी सिलेंडर, ऑटोमोटिव टायर्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर अगर आप कहीं पे देखोगे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं आपको आईएसआई मार्किंग दिखेगा, जो ये इंश्योर करता है कि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट का सेफ्टी अच्छा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आईएसआई जो मार्किंग होती है वो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए होती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बीआईएस ने सर्टिफाई किया है। इंस्पेक्शन करने के बाद आपके जो इंस्पेक्शन का मेथड है, इंस्पेक्शन के जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक किया है, उसके बाद आपको ये आईएसआई मार्किंग दिया है कि आप ये आईएसआई मार्किंग अपने प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हो। आईएसओ, तो जैसे आप ये कुछ प्रोडक्ट देखते हो जहां पे आईएसआई मार्किंग मैंडेटरी होती है इंडिया के अंदर, जबकि आईएसओ की बात करें तो आईएसओ एक का स्टैंड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ भी स्टैंडर्ड्स है लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो कहने का मतलब आईएसआई हो गया इंडिया लेवल का जबकि आईएसओ हो गया ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड वाइड। अगर हम आईएसओ की बात करें तो आईएसओ स्टैंडर्ड जो है उसका जो आईएसओ का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। आईएसओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। जैसे आईएसआई एक इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन इंस्टीट्यूट है, बट वो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, जबकि आईएसओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज है 160 कंट्रीज में काम करती है। इनका भी मकसद वही है कि जो यूजर है उसकी लाइफ बेटर हो, सेफर हो, और सभी को कोई भी प्रोडक्ट एक जैसा हर जगह मिले और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आईएसआई आपका इंडियन स्टैंडर्ड है, अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप उसके लिए लेते हो, जबकि आईएसओ ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है। आईएसआई सर्टिफिकेशन को बीआईएस रिलीज करता है जबकि आईएसओ के सर्टिफिकेशन को आईएसओ रिलीज करता है। सो आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है वो आईएसओ खुद बनाता है और उसको रिलीज करता है, और जबकि आईएसआई का जो स्टैंडर्ड है आईएस नाम से होता है वो बीआईएस रिलीज करता है। ISI की जो मार्किंग होती है, जो आपके प्रोडक्ट पे ISI मार्किंग अगर देखते हो आप, वो BIS ने ही सर्टिफाई किया हुआ है या BIS के कोई इंस्पेक्शन करने वाले लोग जाते हैं उसके बाद BIS उसको सर्टिफाई करता है। जबकि ISO को सर्टिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइंग एजेंसी है। जैसे आप बात करो इंडिया के अंदर, मैं कुछ सर्टिफाइंग एजेंसी की बात करूं, जैसे DNV है, DQS है, TUB है, URS है, और ऐसे भी बहुत सारे ISO के स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं। ISI जो है वो आपके प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है, तो इट इज अ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड।
जबकि आईएसओ आपके मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करता है। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज मैनेजमेंट सिस्टम, तो अलग अलग एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो अलग अलग चीज के, अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग आईएसओ है। सो आईएसआई आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजर सेफ्टी को कंफर्म करता है, जबकि आईएसओ आपके प्रोसेस को कंफर्म करता है कि आपकी कंपनी के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन आप फॉलो करते हो, और आपके जो पूरी कंपनी का जो भी प्रोडक्शन है, पूरा प्रोसेस है, वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए होता है। आईएसओ आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी सर्विस कंपनी के लिए ले सकते हो, लेकिन आईएसआई आप किसी प्रोडक्ट के लिए ही ले सकते हो। आईएसआई का जो मार्क है वो इंडिया के कुछ प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है और बाकी के लिए ऑप्शनल है, जबकि आईएसओ स्टैंडर्ड एक नॉन मैंडेटरी स्टैंडर्ड है, कोई गवर्नमेंट नहीं कहती है, लेकिन जो आपका कस्टमर है, यानी कि अगर आप B2B काम कर रहे हो तो आपका कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है कि आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाई होनी चाहिए। कौन सा आईएसओ, ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो और कौन से मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हो। जैसे फूड ग्रेड का अलग है, एरोस्पेस का अलग है, क्वालिटी का अलग है, रेलवे का अलग है, इन्वायरमेंट का अलग है, अलग अलग चीजों के अलग अलग आईएसओ होते हैं। तो ये है दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस। तो अगर आपको आईएसआई पे काम करना है, आपके प्रोडक्ट के लिए आईएसआई मार्किंग लेनी है, तो बीआईएस को कांटेक्ट करें। अगर आपको आईएसओ सर्टिफाई करना है तो आप किसी आईएसओ सर्टिफाइंग एजेंसी को कांटेक्ट करें। और आपको दोनों ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आईएसआई आईएसओ की जो बेसिक क्वेरी है वो आपको समझ में आएगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।